वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर इस समय बिजली की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर सालाना रबी सीजन में अस्थायी कनेक्शन बड़े पैमाने पर बिजली कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। इस वर्ष भी अस्थायी कनेक्शनों से बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का लाभ मिला है और लगभग 2500 से अधिक अस्थायी कनेक्शन भी दिए गए हैं। बताया जाता है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गत वर्ष जहां रबी सीजन में 5230 अस्थायी कनेक्शन दिए गए, वहीं इस सीजन में कोरोना महामारी के बावजूद 5600 कनेक्शन दिए गए हैं, तो 2500 से अधिक स्थायी कनेक्शन भी खासकर किसानों को दिए हैं। इससे बिजली कंपनी को बेहतर फायदा हुआ है। अभी तक 3 महीने के लिए जहां 5680 कनेक्शन दिए, जिससे बिजली कंपनी को 25,60,00,000 का राजस्व मिला। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में 1,05,331 कृषि उपभोक्ता हैं जिन्हें अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, तो दूसरी ओर गत वर्ष यानी 2020 में बेहद कम अस्थायी बिजली कनेक्शन हुए हैं। तकरीबन 3 महीने के लिए रबी सीजन में गेहूं, चना आदि फसलों की सिंचाई के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं और बाद में 3 महीने बाद बंद कर दिए जाते हैं। इससे बिजली कंपनी को इस बार भी बेहतर राजस्व मिला है और गत वर्ष के स्थान पर इस वर्ष अधिक पैसा बिजली कंपनी के खजाने में जमा हुआ है। बिजली कंपनी द्वारा इस तरह से अस्थायी बिजली कनेक्शन से करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करती है। ग्रामीण व्रत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री ध्रुव नारायण शर्मा ने कहा कि गत वर्ष 5230 बिजली कनेक्शन किसानों को दिए गए थे और इस साल 5600 कनेक्शन दिए हैं, जिससे 5 करोड़ से अधिक का राजस्व बिजली कंपनी को मिला है। बिजली कनेक्शन 3 महीने के लिए दिया जाता है, जो रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के काम आता है। वैसे कृषि उपभोक्ता की संख्या 1,05,331 से अधिक है, किसानों को लाभ मिलता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।